आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के अंतर्गत पत्रकार संघ करेरा के द्वारा आज भव्य ऐतिहासिक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली को हरी झंडी दिखाकर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के उपमहानिरीक्षक चक सुरेंद्र खत्री ने कृषि उपज मंडी प्रांगण से रवाना किया। इस अवसर पर करेरा तहसीलदार दिनेश चौरसिया, जनपद सीईओ ब्रह्मेंद्र गुप्ता, कृषि उपज मंडी सचिव अशोक कुमार जाटव, सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य मुरारी लाल गुप्ता, मुकेश शर्मा, अन्य प्रशासनिक विभागों के अधिकारी कर्मचारी, गणमान्य नागरिक, विद्यार्थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बहने, नगर के युवा वर्ग ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये रैली कृषि उपज मंडी से प्रारंभ होकर कामाख्या देवी मंदिर, नई तहसील पुलिस थाना के सामने होते हुए नगर के मुख्य चौराहा, सहायता केंद्र, बीज भंडार रोड से होते हुए अमर शहीद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे के स्मारक पर पहुंचकर उनको माल्यार्पण के साथ संपन्न हुई। रैली का समापन आईटीबीपी सपोर्ट वाहनी सेनानी अभय चंद्र ने किया। सभी पत्रकार साथियों ने रैली में पधारे आगंतुकों का आभार जताया। को मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको विदित है कि 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में तिरंगे झंडे फहराने का बृहद कार्यक्रम चल रहा है। सभी घर पे, सभी मकान दुकान पे, सभी ऑफिसेस पे ये तिरंगा झंडा फहराया जाना है। ना केवल अपने घर पे फहराइए, अपने दुकान मकान पे फहराइए, कार्यालय फहराइए, बल्कि कम से कम एक झंडा गिफ्ट भी दीजिए अपने परिचितों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इस तिरंगे झंडे से संबंधित कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों के यहाँ जो भी कार्यक्रम रहे उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूँ, ताकि आप लोग को अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे। पर कुछ कार्यक्रम में पहुंचना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि एक साथ कई कार्यक्रम होते हैं। 13-14 के जो हमारे ज़िले में कई कार्यक्रम हैं उसमें से ज़्यादातर मैं शायद ना पहुंच पाऊँ, जो जिला मुख्यालय से बाहर है। पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उन कार्यक्रम।